तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बटरफ्लाई जीना, और आप सभी को स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं अभी फिलहाल पुराने घर पे हूँ, अभी अभी बाजार से आई हूँ, घर का कुछ सामान खरीदना था, राशन वगैरह सब्जी वगैरह तो खरीद के आई हूँ। और यार पापा ने कॉल किया था, पापा ने बोला एक काम दिया मुझे, उन्होंने बोला पुराना जो बॉक्स बेड है उसको कलर करके लेके आओ नए घर पे। तो यार ये पुराने वाले बॉक्स बेड तो ऐसे नहीं लेके जा सकती, तो अभी मैं ये बेड को कलर करूँगी। तो देखिए इस वीडियो के जरिए कैसे कलर करूँगी, यार मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं कलर कैसे की जाती है। फिर मैंने एक अपना दोस्त को बुलाया कॉल करके, वो आए हैं अभी, वो कुछ साफ बाफ कर रहा है, तो एक साथ करेंगे अभी। तो देखते जब वीडियो कैसे कलर करती हूँ, आप सभी को दिखाऊँगी इस वीडियो के जरिए। तो गाइज ये है पेंट कलर, वुडन कलर करूंगी, ये यही से कलर करूंगी। और ये क्या है, थिनर है, ये थिनर का बॉटल। ये हो गया ब्रश छोटी साइज की, तो देखते जाओ कैसे कलर करती हूँ इसको। गाइज मीट माय लुसी, लुसी 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 से हाय, लुसी 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 लुसी। ये लुसी और ये मेरा दोस्त रूप। ये अभी क्या कर रहा है रूप, तुम नहीं क्या कर रहा है, पहला प्रोसेस क्या कर रहा है? डायरेक्ट कलर करेगा, सीरीज मार लिया, ये कलर करे। ये देखो बॉक्स बेड है, इसको सीरीज से इसको साफ कर लिया, जो एक्सेस गंदा वंडा था, मतलब जो नहीं चाहिए था वो साफ कर लिया, गंदा बहुत गंदगी फैली हुई थी बिस्तर पे, तो साफ कर लिया। तो अभी ये डायरेक्टली ये कलर मार रहा है। ये कौन सी कलर है, बार्निश कलर ना? ये बार्निश कलर कर रहा है, देख लो। तो गाइज ये देखो मेरा बॉक्स बेड अभी रेडी है, ये कलर हो गया, बार्निश कलर किया था यहाँ पे, मस्त कलर आई है यार, बहुत डैम हो गया था कलर इसका। और एक इस तरफ भी है देखो, चारा और फैला के रख दिया हूँ। और इन दोनों का काम ही है ये सोते रहना, इन दोनों को नए घर पे लेके जाऊंगी बहुत ही जल्दी, वहाँ पे इन लोगों का रूम बन रहा है, रूम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसे ही बन जाता है, लाइट्स वगैरह का काम होता है, तो इन दोनों को नए घर पे शिफ्ट कर दूंगी। अभी सो रहा है ये दोनों, देखो खा के पूरा गला तक खा लिया, अभी सो रहा है ये। तो गाइस बॉक्स बेड को तो मैंने कलर वलर कर दिया, अभी यार कुत्ता को अंदर डाल दिया, रूम लॉक कर दिया, और ये चाबी मेरे पास, तो अभी जा रहा हूँ ऑफिस के, और बार बार जाके कुछ कुछ खाऊंगी, और चलो दिखाती हूँ आप सबको आज ऑफिस में क्या चल रहा है। ऑफिस आ गई हुई, देखो ये सब स्टेज होता है ना, स्टेज का इक्विपमेंट है। हम लोगों का स्टेज था पहले, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा स्टेज हम लोगों ने बनवाया है कुछ दिन पहले, तो ये अभी गोडा मतलब मैन्युफैक्चरर से आया है, ये देख लो। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया है, स्टेज थोड़ा बड़ा कर रहे हैं हम लोग, पहले थोड़ी कम था स्टेज का इक्विपमेंट, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। ये देखो स्टेज का ऊपर में जो प्लाई बैठता है ना, प्लाई उस पर लगाने वाला, ये वाली प्लाई बोर्ड, ये क्या होता है, सनमाइका होता है, प्लाई के ऊपर ये सनमाइका लगेगा, देख लो कलर मस्त है ना इसकी। हाँ मुझे कलर बहुत अच्छी लगी, सनमाइका है, स्टेज का ऊपर में ये पेस्ट होता है। काम तो जोर शोर से चल रही है ऑफिस में, क्योंकि अभी इवेंट का सीजन आने वाला है ना, तो इसीलिए देख लो बहुत सारे सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। तो गाइज यू कैन सी ये पोडियम बन रहा है, देखो उसके ऊपर कुछ पेस्ट किया जा रहा है, ये भी एक पोडियम नहीं होता है जिसपे भाषण देते हैं लोग लैपटॉप्स वगैरह रख के, वो ये हमारा बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ ये चल रहा है देख लो। और ये सब सामान थोड़ा जस्ट एक ग्लीम्स ऑफ द गोडाउन, ये सब सामान, ये सब टेबल वगैरह, ये एक दिन दिखाऊंगी अच्छा से, ये वॉशरूम हो गया, अच्छा से आराम से दिखाऊंगी, एक दिन फुल वीडियो बनाऊंगी हमारे गोडाउन का, तो देख लो ये टेबल वगैरह। निपन भैया अभी आया नहीं, वो कहीं पे गया है, तो ये पोडियम बन रहा है। और गाइस ये है हमारा वीआईपी सोफ़ा, मिनिस्टर्स वगैरह के प्रोग्राम में ये ज़्यादा रेंट पे जाता है, रेंट पे दिया जाता है, देख लो ये टू सीटर सोफ़ा है। ये वाली मैट्रेस भी हम लोग रेंट पे देते हैं। और ये वाली डिवाइन चेयर शादी वगैरह में जो लगाता है ना, ये वाली भी तो मैं ही बैठती रहती हूँ ऑफिस में आके, यार ये थोड़ी ख़राब हो गई, इसको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। और ये हमारा रोमन बाबू, रोमन एक बार हाय बोल दो। रोमन अंदर तक चला आया पानी पीने के लिए, तो क्या करने आया रोमन? पानी पीने। क्या लेके आया तू, ये क्या पकाओगे? ये रूप कुछ लेके आया, क्या पकाओगे?
मैगी पकाएगा, ये मेरे लिए अच्छे से पकाइयो। तो हमारे रूप अभी ये ऑनियन कट कर रहा है, ये टोमेटो के साथ ये अभी मैगी बनाएगा। ये मैगी ला के रख दिया, ये हो गया कढ़ाई। कितना टाइम लगेगा भाई तेरा? 10 मिनट। 2 मिनट का मैगी होता है यार, 10 मिनट कैसे? ओके, अंडा भुजिया भी बनाएगा ये चूतिया। सही से बना, जल्दी बना। तो हमारा ये एक किस्म का कुकी है हमारा ऑफिस का, बहुत टेस्टी बनाता है इसको, लेकिन इसको रोज गालियां पड़ती है। कभी कभी नमक ज्यादा दे देता है, तेल कम दे देता है, मतलब लेकिन खाना अच्छा बनाता है ये। तो गाइज देखो, हियर अंडा भुजिया इज रेडी, एक भुजिया यू कैन सी। तो अभी इसको खाऊंगी। मैगी अभी बन रहा है, रूप पता नहीं क्या कर रहा है, इतना देर लगा रहा है यार, जल्दी करो बे, भूख लग रही है। तो ये मैगी रेडी हो गया अभी रूप का हाथों से, देख लो यार, कलर तो मस्त आई है, पता नहीं यार टेस्ट कैसा होगा। यो मैगी मैगी मैगी, 10 रुपए का मैगी लाला, 10 रुपए का मैगी लाला। चलो दोस्तों खा लेती हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस आज का दिन पे तो मैंने ये सभी किया, सुबह उठा, ब्रश किया, फिर कुत्ता उत्ता को खाना दिया, मैंने दो पप्पी है, पप्पी दोनों को खाना दिया, फिर वो बॉक्स बेड जो था उस पर कलर की, फिर बाजार गई थी सब्जी वगैरह लाने, फिर अभी ऑफिस आई थी। ऑफिस आने से ऑफिस का थोड़ा काम चल रहा है, निपन भैया भी नहीं है, वो बाहर गया है प्लाई का कुछ सामान लेने। फिर अभी रूप ने ये मैगी बनाया और ये अंडा भुजिया बनाया था, वो खा के अभी एकदम टिप टॉप में बैठी हुई हूँ। तो अभी घर जाऊँगी क्योंकि शाम को मतलब रात का खाना भी मुझे बनानी है। तो यार आज का वीडियो में इतना ही है, जो कि आज दिखा दिया छोटी छोटी क्लिप्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।